अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बना जाने पड़ते हैं जो कि हिंदी में होने चाहिए। हालांकि यहाँ हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आप फॉन्ट जो है यहाँ पर डाल के और जो टाइपिंग करना चाहे वो टाइपिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे हिंदी में टाइपिंग नहीं करनी, मेरे पास ऑलरेडी टाइप डेटा आया है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक करके देखा, कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ रिव्यू के अंदर, रिव्यू के अंदर में आता है एक ट्रांसलेट का, ट्रांसलेट पे जाइएगा तो यहाँ आपको सुजीत का ट्रांसलेट जिस भाषा में करना है उस भाषा में आप कर सकते हैं, जो भी नंबर लिखा हुआ है वो ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो टाइप कर देगा, नहीं, आपको यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी करके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो हाँ, इसमें एक है कि एक साथ कई सारे नेम को लीजिए और यहाँ पे एक साथ टाइप हो जाएगा, उसके बाद एक साथ इसको कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये चीजें आप कर सकते हो, थोड़ा सा हैंग होगा लेकिन हाँ वो पेस्ट हो जाए, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर एक एक करके नीचे तोड़ के आपको लाना होगा। तो ये तोड़ के लाने का प्रक्रिया हम आगे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस सेक्शन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरह से हम किसी नाम को ट्रांसलेट करें। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ट्रांसलेट होने में काफी प्रॉब्लम हुई, इसके अंदर एक्सेल के अंदर, पर इसी चीज को गूगल सीट में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो गूगल सीट में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गूगल ट्रांसपोर्ट, गूगल ट्रांसलेट। तो यहां पे आप लिखे फॉर्मूला गूगल ट्रांसलेट। अब इसके अंदर मैंने सर्च किया टेक्स्ट अपना, यहाँ पे आता है कि आपका सोर्स लैंग्वेज क्या है, तो हमने लिख दिया ईएन, मतलब कि इंग्लिश है, और किस में टाइप करना है तो एच एन नहीं करना है, एच आई हिंदी, फर्स्ट दो लेटर होता है। एंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और देखिए ये ट्रांसलेट करके आपको भेज दिया, बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर दिया। और यहाँ हम कल के डेट में चेंज भी करते हैं तो ये सारे के सारे चेंज कर देंगे। आप ट्रांसलेट आपका 100% सही तो नहीं करता है, लेकिन हाँ 80-85% आपका ट्रांसलेट सही कर देता है। तो इतना जान लीजिए कि सिर्फ आप एक्सेल को अच्छे तरीके से जान गए हैं तो आपका काम, हर तरह का काम नहीं हो सकता, गूगल सीट भी कुछ चीजें रखती है। अगर आप एक्सेल के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं, एमआईएस के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं, तो गूगल सीट और आपको एक्सेल पे भी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ एक चीज, जो कि मेरी आज आज 26 दिसंबर है, रात को 8 बजे हमारी एक बैच शुरू हो रही है, वो है एडवांस सेक्शन एंड गूगल सीट फॉर डेटा एनालिसिस, जिसमें हमने एडवांस सेक्शन, पिवट, डैशबोर्ड, तीनों के ऊपर फॉर्मूले, एमआईएस रिपोर्टिंग, डेटा कनेक्टिविटी, पावर क्यूरी, ये सारे चीज इसके अंदर कवर करते हैं, जो कि गूगल सीट पे भी और एक्सेल पे भी दोनों पैरेलल पे कवर करते हैं। ये 35 to 40 आवर की क्लास देते हैं, एक क्लास 1 घंटे की होगी, एक क्लास हमें एक क्लास दूंगा, अगले दिन प्रैक्टिकल होगी, फिर क्लास होगी, अगले दिन प्रैक्टिकल होगी, और जिसकी फीस जस्ट आपको 2500 पे करना है। जी हाँ, जस्ट 2500, ऐसे इसकी फीस 15,000 है, बट आपको 2500 पे करना है। तो फटाफट अपना सीट बुक कीजिए और आज से ज्वाइन कीजिए।